Hey guys, welcome to the Manor Education. So today in this particular video, we'll talk about MH Law CT 5 years 2023. Guys, ये video आपके लिए बहुत important है क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले score versus colleges and we'll also consider the stats of 2022. So all those candidates जो 2022 के लिए top colleges की राह देख रहे थे guys, उनका सपना तो पूरा हो चुका है. So 2022 की top colleges को आपको target करना है if you are preparing for 23 or 24. ओके, सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड क्योंकि यहाँ मैटर करने वाला है आपका प्रिपरेशन. सो 2022 की कौन सी टॉप कॉलेजेस है जिन्हें आपको टारगेट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द कट ऑफ, यहाँ क्या स्कोर रह चुका है वो भी बात करने वाले इन डिटेल. सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है गाइस. एंड बिफोर मूविंग फर्दर, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंस एग्जाम सच एज एमएच लॉ सीईटी, क्लैट, स्लैट, बीएचयू लॉ, LSAT and MIMS LAT etc. You will get preparation for all and you can easily target the NLUs, IIMs, GLC, ILS, Symbiosis Pune, NLU Delhi and even the NMIMS Mumbai, where you will get complete features and mentorship, complete motivation, thoroughly cognitive effects and complete guidance about the cap round and even agar selection process ka koi bhi parameter ho, then you will get preparation for same. So call on respective number and you can join our classroom coaching at Mumbai, and to interact live with us, call on these respective number or you can visit our website manorama.com/lawentrance for all the pre-recorded stuff. So let's move further. First of all, baat karenge guys competition ko lekar. If koi kahe ki mujhe GLC mein jana hai, then what exactly the cutoff? Guys, cutoff hamesha badhta hai and now this year cutoff steps down. क्यों? क्योंकि the number of registration was quite good, 28,948 कैंडिडेट रजिस्टर किए थे. दिस शोज कि काफ़ी सारे कैंडिडेट इंटरेस्ट है टू परसू द लीगल स्टडीज. ओके, लॉ में अपना करियर बनाना है इसलिए काफ़ी सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड थे. बट दे आफ्टर अकॉर्डिंग टू 2022 के स्टैट्स 19,738 कैंडिडेट अपियर्ड फॉर द एग्जाम और सीट्स कितने हैं 10,920 ऑफिशियल सीट्स, जहां ईडब्ल्यूएस के भी अगर सीट्स हम कंसीडर करें देन इट्स सेज 11,754 ओवरऑल सीट्स है आपके लिए. सो इन सीट्स के लिए जो कंपटीशन है गाइस वो हमेशा टफ रहने वाला है. हाँ, अगर डिफिकल्टी लेवल अप एंड डाउन जरूर होती है देन कट ऑफ वेरी करेगा, लेकिन 2022 के स्टैट्स क्या कहते हैं. सो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड 2023 में हमें क्या टारगेट करना है. ओके, सो लेट्स टॉक इन डिटेल. सो वेरी फर्स्ट वन, यहाँ मैंने मेंशन किया जीएलसी गवर्नमेंट वन. सारे कैटेगरी को लेकर हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू ओएमएस, ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कैटेगरी, डीटी, वीजे, एनटी, बीसीडी एंड आल्सो दी एसटी कैटेगरी. ओके, ओवरऑल इन डिटेल बात करने वाले हैं. सो जीएलसी गवर्नमेंट को लेकर, ओएमएस कैंडिडेट को लेकर 113 का कट ऑफ रह चुका है गाइस. एंड दे आफ्टर बात करूँ मैं ओपन कैटेगरी फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट देन 106, वही ईडब्ल्यूएस 99. गाइज, इस बार ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के जो कट ऑफ है वो बहुत फ्लक्चुएशन हुआ है. क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस, द थिंग इज प्रेफरेंस, आप किसे प्रेफर करते हो. सो ऑलवेज जो आपका फर्स्ट प्लेस होना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, दैट शुड बी द टॉप कॉलेज जिसे आप देख रहे हो, सच एज जीएलसी गवर्नमेंट वन, जीएलसी सेल्फ फाइनेंस या फिर आईएलएस या पीजीसीएल. नियर बाय के टॉप कॉलेजेस देख रहे हो देन ऑल्सो आपको वो टॉप कॉलेज टारगेट करना है जो कि आपके लोकेलिटी में है, जो आपके सिटी में है, आपको उसे प्रेफर करना है. अगर आप दूर नहीं जाना चाहते और जाना चाहते हो देन गाइस दीज आर द टॉप कॉलेजेस. यहाँ हम टॉप 20 कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे. सो जीएलसी सेल्फ फाइनेंस कट ऑफ्स हुआ 112, 105, 97 फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को लेकर 91, एससी को लेकर 88. ओबीसी और एससी कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है. आप देखोगे कि एससी कैटेगरी के कट ऑफ का कुछ हाई गए हैं, ओबीसी को लेकर कुछ कट ऑफ कम गए हैं, ऐसे भी आने वाले. डीटीवीजी के लिए 80-85 के बीच में स्कोर एंड एसटी कैटेगरी 62, आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा जीएलसी में. दे आफ्टर आईएलएस पुणे 112 फॉर ओएमएस, ओपन को लेकर 102, ईडब्ल्यूएस 96, ओबीसी 93, एससी को लेकर 87 और 80-85 के बीच में डीटीवीजे, एनटी, बीसीडी एंड आल्सो द एसटी 63. वही बात करूँ द पीजीसीएल, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, देन गाइज ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है. सो यहाँ प्रेफरेंस रहेगा माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए फर्स्ट. ओवरऑल सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू माइनॉरिटी कैंडिडेट्स ओनली. एंड दे आफ्टर ओएमएस के लेकर जो सीट्स है वहाँ कट ऑफ गया है 111, ओपन को लेकर गया है 102. सो प्रवीण गांधी के लिए भी आप टारगेट कर सकते हो. नवरमल फिरोदिया, यहाँ आपको दो ब्रांचेस मिलेगी गाइज, वन फॉर बीएलएलबी एंड सेकेंड वन फॉर दी बीबीएलएलबी, लेकिन कट ऑफ विल रिमेन सेम 108, 96 फॉर ओपन, 91 फॉर ईडब्ल्यूएस, 87 फॉर ओबीसी, 81 फॉर एससी,
71 to 78 के बीच में आप होते हो तो भी यहाँ मिल जाएगा एडमिशन, एंड ऑल्सो 63 फॉर द एस टी कैटेगरी। दे आफ्टर उमला मुंबई, इट इज़ नथिंग बट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ अकेडमी, ओके मुंबई जो मेन कैंपस है 108 and 96। रिजवी की बात करूँ दैन इट्स ऑल्सो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, 76 का कट ऑफ गया है, राउंड वन को लेकर कट ऑफ है गाइज, ये सारे कट ऑफ जो है ये राउंड वन को लेकर मैं बता रहा हूँ आपको, ओके। OMS 107 एंड ओपन कैटेगरी 96। शंकर राव चौहान पुणे कॉलेज 103-91, एडवोकेट बाला साहेब आप्टे कॉलेज 102-95, एंड उमला ठाणे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी ठाणे सब कैंपस, इसे भी आप टारगेट कर सकते हो 104-87। ओके दीज आर द रिस्पेक्टिव कट ऑफ फॉर दीज टॉप 10 कॉलेज एंड अनदर वन दीज आर द टॉप 20 कॉलेजेस। सो डी वाई पाटिल नेहरुल आप टारगेट कर सकते हो, और उसके बाद डी वाई पाटिल यूनिटेक पुणे, ये भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है गाइज, इसे टारगेट कर सकते हो 102-83। AWS को लेकर 76 रह चुका है, OBC को लेकर 74। ये वीडियो 2022 के कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके जो कट ऑफ रह चुके हैं रिस्पेक्टिव राउंड वन में, राउंड टू का जो डेटा है वो आप एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ अगर डी वाई पाटिल में 75 रहा है SC को लेकर, तो अगर मेरे 74 है और 73 है आई कैन ईजिली टारगेट, ओके। सेम आप यहाँ भी देख सकते हो कि GLC को लेकर अगर OBC 94 तक गया कट ऑफ, आपके पास 92 है 93 है, देन ऑल्सो यू कैन ईजिली टारगेट, राइट गाइज। सो ऐसे आपको एनालाइज करना है, 60 to 70 फॉर ऑल द रिस्पेक्टिव कास्ट एंड 48 फॉर ST। दे आफ्टर प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न लॉ कॉलेज, ओके ये भी आप टारगेट कर सकते हो 186। यशवंतराव चौहान कॉलेज ABMS परिषद, काफ़ी अच्छा कॉलेज है गाइज, ओके गवर्नमेंट एडेड है, फीस काफ़ी कम है, यू कैन टारगेट 99-82। RTMNU मेन ब्रांच नागपुर, ओके नागपुर वाले कैंडिडेट के लिए ये बेस्ट कॉलेज है 98-83। 59 EWS, OBC 76। अब ये जो 59 है गाइज ये नंबर ऑफ प्रेफरेंसेज के ऊपर मैटर करता है, लेकिन इनके ऊपर अगर हम EWS की बात करेंगे देन वहाँ ईजिली 80-85 तक स्कोर गया है। अब कुछ कैंडिडेट कम रह चुके थे तो 59 का जो चांस है वो आ गया, लेकिन यहाँ आपको एज्यूम करना है 80+, ओके। 75 फॉर SC, डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक टाइप 60 to 70, एंड 46 फॉर ST। ठाकुर कॉलेज मुंबई 96 to 89, एंड अगेन इट्स माइनॉरिटी, हिंदी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, सो यहाँ आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा 76 अप। गाइस अगर आपने स्कोर किया है देन टारगेट दिस वन। डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज दीक्षाभूमि 96 and 84, SNDT 93-81, SNDT इट्स वीमेंस कॉलेज, ओके सो ऑल द गर्ल्स यू कैन पार्टिसिपेट ओवर हियर, ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट आपके लिए। OMS कैंडिडेट को लेकर 93 कट ऑफ गया है एंड ओपन को लेकर 81। रिस्पेक्टिव कास्ट के लिए भी यार रिजर्वेशन है 48 फॉर EWS, ओके 56 OBC, 62 SC, 70 to 75 फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड नोमैडिक ट्राइब्स, ओके। दे आफ्टर यू कैन टारगेट विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटीज लॉ कॉलेज चेंबूर 91 to 85। अगेन इट्स माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, सो यहाँ माइनॉरिटी को लेकर काफ़ी सीट्स है, 63 अप आप इजीली टारगेट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन द लॉर्ड्स मुंबई 91 and 84, अगेन इट्स माइनॉरिटी सो 54। सो दीज ऑल आर द टॉप 20 कॉलेजेस, इसमें एडमिशन तो आपको लेना बनता ही है गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो इस कदर होना चाहिए गाइज कि यहाँ आपको एडमिशन ईजिली मिल जाए, यू कैन स्कोर 120+ ईजीली। और इसके लिए आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज एंड द प्रॉपर रिसोर्स मटेरियल, सो डोंट वरी एट ऑल, एट मनोवर यू विल गेट ऑल दीज फीचर्स। एंड यस गाइज आपके जो टॉप 10 कॉलेजेस है इनमें तो आपके एडमिशन होने ही चाहिए, सो लेट्स टारगेट ऑल दीज टॉप कॉलेजेस एंड स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस, जॉइन आवर क्लासरूम सेशंस एट मुंबई। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन गाइज एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स सच एज यूट्यूब फेसबुक इंस्टा, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।